मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक मेरे चैनल को आप तो ऑफिशियल। तो दोस्तों, आज का ट्यूटोरियल वीडियो श्री गणेश जी को पर है, जो भी इंस्टाग्राम जिस पर बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो दोस्तों, सभी मटेरियल की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आपको वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बता देता हूँ, अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए लाइक, और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, वो भी इसी प्रकार की वीडियो एडिटिंग करना सीख सके। तो दोस्तों, चलते बिना देर के वीडियो एडिटिंग करने के लिए तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो एडिटिंग करने के लिए आपको सबसे पहले एलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। और एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद अब आपको प्लस पे क्लिक कर देना है और कंटिन्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे आना है, और आपको एक गणेश जी की फोटो को ऐड कर लेना है। तो फोटो की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आपको वहां से डाउनलोड कर लेना है। तो दोस्तों, फोटो को ऐड करने के बाद अब आपको थ्री डॉट कॉम पे क्लिक करना है और फुल कंपोजिशन एरिया पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों, फोटो को ऐड करने के बाद अब आपको प्लस पे क्लिक करना है, ऑडियो पे आ जाना है। तो आपको एक ऑडियो को सिलेक्ट कर लेना है। तो ऑडियो की लिंक भी मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आपको वहां से डाउनलोड कर लेना है। अब दोस्तों, आपको फोटो पे क्लिक करना है और आपको इसके लेयर को आगे की तरफ लेके चले जाना है। अब दोस्तों, आपको फोटो पे क्लिक करना है और इफेक्ट में आना है, और आपको ब्लर इफेक्ट को ऐड करना है। और आपको इसको 400 तक लेके चले जाना है। अब दोस्तों, इतना करने के बाद अब आपको प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे आना है, और आपको मैं एक ब्लैक स्क्रीन वीडियो दे रखा हूँ, आपको उस वीडियो को ऐड करना है। वीडियो को ऐड करने के बाद अब आपको इसको रोटेट कर लेना है, और आपको इसको जूम कर लेना है। अब दोस्तों, आपको ब्लेंडिंग पे आना है, और आपको लाइट पे आना है, और आपको स्क्रीन को सिलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों, इतना करने के बाद अब आपको एक्स्ट्रा लेयर को कट कर देना है। अब दोस्तों, आपको प्लस पे क्लिक करना है और आपको मीडिया पे आना है, और आपने जो पहले फोटो ऐड की थी आपको उसी फोटो को फिर से ऐड करना है। और आपकी इसकी साइज को कम कर लेना है। अब आपको बॉर्डर पे क्लिक करना है, और आपको बॉर्डर को ऐड करना है, और बॉर्डर की लेंथ को आपको 15 पे सिलेक्ट कर लेना है। और आपको फोटो पे क्लिक करना है, और आपको इसी लेयर को आगे की तरफ लेके चले जाना है। अब दोस्तों, इतना करने के बाद अब आपको फिर से प्लस पे क्लिक करना है, और आपको मैं एक और ब्लैक स्क्रीन वीडियो दे रखा हूँ, आपको उस वीडियो को भी ऐड करना है। वीडियो को ऐड करने के बाद अब आपको वीडियो पे क्लिक करना है, और आपको इसको ठीक से एडजस्ट कर लेना है, और एक्स्ट्रा लेयर को आपको कट कर देना है। अब दोस्तों, आपको पहले वाली फोटो को और आपको वीडियो को सिलेक्ट करना है, और ग्रुप एंड मार्कर पे क्लिक कर देना है। अब आपको ग्रुप एंड मार्कर पे क्लिक करना है और एडिट ग्रुप पे क्लिक करना है। सबसे पहले आपको वीडियो को नीचे की तरफ लेके आना है। अब आपको वीडियो पे क्लिक करना है, ब्लेंडिंग में आना है, लाइट पे क्लिक करना है, और आपको स्क्रीन को सिलेक्ट कर लेना है। अब आपको वीडियो पे क्लिक करना है, और आपको इसको ऊपर की तरफ लेके आ जाना है। अब दोस्तों, आप देख सकते हो हमारी वीडियो ऐड हो गई है। तो दोस्तों, इतना करने के बाद अब आपको प्लस पे क्लिक करना है, आपको मैं एक फॉन्ट फोटो दे रखा हूँ, आपको इस फोटो को ऐड करना है, और आपको इसको ठीक से एडजस्ट कर लेना है, और आपको इसको नीचे की तरफ लेके आ जाना है। अब आपको फोटो पे क्लिक करना है, और आपको इसकी लेयर को आगे की तरफ लेके चले जाना है,
और एक्स्ट्रा लेयर को आपको कट कर देना है। अब दोस्तों इतना करने के बाद अब आपको प्लस पे क्लिक करना है और टेक्स्ट पे क्लिक करना है और आपको एक इमोजी को ऐड करना है। इमोजी को ऐड करने के बाद अब आपको इसके बैकग्राउंड में आना है और आपको बैकग्राउंड को रिमूव कर देना है। अब आपको फॉन्ट को सिलेक्ट करना है तो फॉन्ट की लिंक भी मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आपको वहां से डाउनलोड कर लेना है और आपको इसको ठीक से एडजस्ट कर लेना है। अब दोस्तों आपको इफेक्ट में आना है, एड इफेक्ट पे क्लिक करना है और आपको मूव एंड ट्रांसफर पे क्लिक करना है और आपको स्पिन पे क्लिक करना है और आपको इसको सिलेक्ट करना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको 70 ऐड कर लेना है और यहाँ पे आपको 15 प्लस कर लेना है और नीचे की तरफ आपको 15 माइनस कर लेना है। अब आपको इमोजी की लेयर पे क्लिक करना है और आपको इसकी लेयर को भी आगे की तरफ लेके चले जाना है। अब दोस्तों आपको मैं एक बार वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ मेरी वीडियो कैसे एडिट हुई है। तो दोस्तों आप देख सकते हो मेरी वीडियो अच्छी तरीके से एडिट हो गई है। तो दोस्तों अब आपको इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। तो यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ दिख रहा होगा एक्सपोर्ट का आइकन, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आपके पास कुछ इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको नीचे की तरफ दिख रहा होगा एक्सपोर्ट, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आप देख सकते हो मेरी वीडियो एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो गई। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, वो भी इसी प्रकार की वीडियो एडिटिंग करना सीख सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।